हम कहाँ से गरीब आदमी भरेंगे? 10 लाख 7 लाख रुपया जुर्माना है, 10 साल का सजा है, हम कहाँ से भरेंगे? पहुँचाने का तो पहुँचाएंगे, अगर जिंदा रहेंगे तभी ना पहुँचाएंगे, पब्लिक छोड़ेगी? आप बताइए, पब्लिक अंबानी और अडानी की है ये सरकार, गरीबों की नहीं है। ये बड़ी बात है, अगर गरीबों की होती तो इतना बड़ा नियम नहीं। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी खत्म हो जाएगा। नासरीगंज की धरती है और नासरीगंज का जो लोग रहे हैं बड़े ही मिलनसार होते हैं। नहीं, शांतिपूर्ण देश के अनुसार, संविधान के अनुसार हम लोग नियम के अनुसार कायदे से बैठे हुए हैं, किसी को एक चीटी को भी तकलीफ नहीं देने वाला। जो नए नियम लगा हुआ है हीट एंड रनवे का, उसको ले करके पूरे देश के जो ड्राइवर हैं आज सड़क जाम किए हुए हैं और 3 दिवसीय हड़ताल पे हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगाडोल हो रही है, इसको ले करके रोहतास जिले के नासरीगंज के धूस के समीप थाना चौक पे मुख्य सड़क को यहाँ के स्थानीय ड्राइवरों ने बंद को समर्थन में यहाँ पर जाम किया हुआ है। हम बात भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इनको समस्या है और क्यों इस नियम का विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चारपहिया वाहन से लेकर के टेम्पू से लेकर के ट्रैक्टर, यानी सभी तरह के जो आम लोग हैं, जो ड्राइवर जो चलाते हैं, जो निजी चालक होते हैं, वो सभी ने बंद का समर्थन किया है। और इनका साफ साफ कहना है कि जब तक केंद्र सरकार इस नियम को वापस नहीं लेगी, हम लोग बंद के समर्थन में रहेंगे। आज जब जब बड़ी पार्टियां जो ट्रक संघ होते हैं, ट्रैक्टर बस संघ होते हैं, उनके आह्वान पर जो आज 3 दिवसीय बंद है, उनके लोग समर्थन में है। तो आइए हम इनसे बात करेंगे, क्या समस्या है। नियम है कि अगर घटना होती है तो 10 वर्ष की सजा और 7 लाख की जुर्माना। हम नहीं मानेंगे ना सर, जो सिस्टम था वही सिस्टम रहना चाहिए। हम कहाँ से गरीब आदमी भरेंगे? 10 लाख 7 लाख रुपया जुर्माना है, 10 साल का सजा है, हम कहाँ से भरेंगे? बड़े भैया, हम नहीं मानेंगे। मोदी जी को फैसला पड़ेगा। जिस तरह से किसानों के लिए लड़ाई लड़े थे किसान सड़कों पर, अब लास्ट में 2 साल के बाद वापस लिए थे, कि आप लोग भी लड़ेंगे? जी जी बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। मोदी विरोध करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। एक नियम था कि अगर आप घायल को अस्पताल पहुंचाते हैं तो रियायत दी जाएगी, आप लोग पहुंचाएंगे? अदम बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो बोला है 7 लाख रुपए जुर्माना है और 10 साल का सजा, इसको हम नहीं मानेंगे। हम गरीब आदमी, हम कहां से मानेंगे सर? 1 लाख 2 लाख का गाड़ी बताइए आप, जो आप बोल रहे हैं पहुँचाने का तो पहुँचाएंगे, अगर जिंदा रहेंगे तभी ना पहुँचाएंगे, पब्लिक छोड़ेगी? आप बताइए, पब्लिक छोड़ेगी हम लोग को? भैया की बात को सोचने और समझने की जरूरत है। जो केंद्र में बैठे हैं, जो एसी में बैठ करके नियम बनाते हैं, अगर ड्राइवर अस्पताल पहुँचाते हैं तो उनसे पहुँचने के पहले ड्राइवर अस्पताल पहुँचेंगे? पहुँच जाएंगे, बचेंगे तो पहुँचेंगे, ना बचेंगे तो वही ऑन स्पॉट डेट। जी सर, और क्या, 200 रुपए पब्लिक छोड़ेगी तभी तो हम उसको अस्पताल पहुँचाएंगे। ड्राइवर है और सबको पता है कि आजादी के 70 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ड्राइवरों की हालात क्या है। 2000 रुपए 4000 रुपए 5000 रुपए अपने नौकरियां करते हैं, बाल बच्चों का पोषण करते हैं। 4000 पेमेंट है, उसी में खाना पीना परिवार देखना सब चीज है। कहां से 7 लाख रुपया जुर्माना देंगे हम? 10 लाख रुपया जुर्माना देंगे बताइए? अगर 10 वर्षों के लिए जेल जाते हैं तो बाल बच्चे तो आपकी भी मांगेंगे? बिल्कुल, हमारा फिर कोई नहीं रहेगा भैया। ये सरकार अंबानी और अडानी की है, ये सरकार गरीबों की नहीं है। बड़ी बात है, अगर गरीबों की होती तो इतना बड़ा नियम नहीं लगता। देश में सबसे ज्यादा किसान के बाद ड्राइवर यहाँ है, जो 200 रुपए दिन भर पे गाड़ी चलाते हैं, वो अपने बाल बच्चों को दाल रोटी किस तरह से जिलाते हैं वो उनका दिल जान रहा है। कोई बेंगलोर में फंसा है, कोई दिल्ली में फंसा है, कोई दिल्ली में पंजाब में फंसा हुआ 200 रुपए के लिए, और ये गरीब जनता उनके बाल बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है? आजादी के आज तक ऐसा कानून नहीं हुआ है, ये देश विरोधी कानून है, ये तानाशाह कानून है, इसे वापस लीजिए। अनिश्चित काल के लिए हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। अगर अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो क्या केंद्र सरकार का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें आप बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी खत्म हो जाएगा। ड्राइवरों में आक्रोश है, आम लोग भी हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ ड्राइवर यहाँ नहीं है, आम लोग जो है, जो गरीब तबके के लोग है, उनको पता है कि ड्राइवर जान पे खेल करके लोगों को बचाते हैं, गाड़ियां ले जाते हैं। और जो बिहार का सिस्टम है, जो देश का सिस्टम, आप देखते हैं जगह जगह गड्ढे हैं, आवारा पशु रोड पे आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे वाहन चलाते हैं, कोई गाड़ी के बीच में जाता है, 3 मुहान और 4 मुहान पे
ग्रीन रेड तरह का कोई सिंबल नहीं है तो उसमें तो गाड़ी चालक परेशान होते ही परेशान। जी बिल्कुल सही बात है। और सबका ठिकाना फोड़ा जा रहा है ड्राइवरों पर। जी जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो हमारी बात को समझ रहे हैं लेकिन हमारी बात सरकार नहीं समझ रही है। देखिए पत्रकार जो होते हैं वो गरीबों के हित में ही काम करते हैं लेकिन हम आपकी बात तो समझते हैं। आप तो गरीबों के मसीहा जो अपने माध्यम से आपके हम चैनल को बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सच्चाई है ये जो नियम गलत नहीं है लेकिन जो वर्तमान हालात है ड्राइवरों गरीब है सिंगल नहीं है आवारा पशु घूमते हैं छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं इस समय ये नियम लगाना सही नहीं है। नहीं सही बिल्कुल गलत है। अच्छा ये बताइए अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो आप अस्पताल पहुंचना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल पहुंचाना चाहेंगे लेकिन पब्लिक तो मार के वहाँ मुआ देगी। अच्छा आप ड्राइवर आप सोचते हैं कभी कि मेरी गाड़ी से कोई? नहीं ऐसा कोई नहीं सोचेगा। जानवर चींटी नहीं मारता। ये नासरीगंज की धरती है और नासरीगंज का जो लोग रहे हैं बड़े मिलनसार होते हैं और यहाँ पर चिटिया भी नहीं मर जाती है। और वहाँ पे कह रहे हैं मोदी और शाह जी कि आप मारेंगे तो ये तो आप जेल जाइए। 10 साल हम कुर्सी पे बैठेंगे। कोई मारेगा सर? वो कुर्सी पे कोई गलती से नहीं मारेगा। कितना प्रदर्शन आपका शांतिपूर्ण तरीके से है या तोड़फोड़ भी? नहीं शांतिपूर्ण देश के अनुसार संविधान के अनुसार हम लोग नियम के अनुसार कायदे से बैठे हुए हैं। किसी को एक चीटी को भी तकलीफ हम देने वाला नहीं है। जो एम्बुलेंस भरो तो नहीं टोटल इमरजेंसी काम होगा किसी हाल में हम लोग उसके साथ हैं। इमरजेंसी काम हो गाड़ी जाएगी उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बंद के समर्थन है? बंद के समर्थन संविधान के अनुसार है। 3 दिवसीय बंद है। क्या लगता है कि अगर नियम वापस नहीं हो तो लंबा लड़ाई हम लड़ाई लड़ेंगे? नियम वापस लेना पड़ेगा। ये तानाशाही नहीं चलेगा। ये गरीबों की सरकार है, ये किसान की सरकार, ये ड्राइवर की सरकार। लंबा आंदोलन चला था किसानों के लिए भी और लास्ट में किसानों की जीत हुई थी तो क्या जीत हुई? उसी तरह हम लोग भी जीतेंगे। पूरा देश हम लोग के साथ है। ये ड्राइवर नहीं है, ये ड्राइवर साहब है और जो साहब लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और देखिए आज चंद जो गरीब लोग हैं जो खाना वगैरह खाए उनके घर ढंग से नहीं बन पाता है इनके समर्थन में गाड़ियां लगी हुई हैं, लोग सपोर्ट में हैं। ये सिर्फ ड्राइवर ही नहीं है, इनके परिवार की बात है, इनके लोगों की बात है। और जब परिवार के पर आ जाएगा, लोगों की बात आएंगी और अपने पर आएगा तो ये ड्राइवर कुछ भी करने के लिए तैयार है। और शांतिपूर्ण तरीके से इनका प्रदर्शन चल रहा है और लोग इनके समर्थन में भी उतरे हुए हैं। मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार से अपने चैनल के माध्यम से जल्द से जल्द इस कानून को संशोधन किया जाए या वापस लिया जाए ताकि जो ड्राइवरों के हित में कानून बने वही लागू हो, अन्यथा लोकसभा का चुनाव आपके सर पे है, इसका ठीकरा आपको भोगना पड़ेगा और इसकी जवाबदेही यहाँ के लोग भी देंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और फिर अगले मोड़ पर मिलेंगे हम किस तरह से ड्राइवर अपनी बातों को रख रहे हैं और अपने आंदोलन को तेज धार दे रहे हैं। जी जी।